तो हमारा जो है दही चिकन बनकर रेडी हो गया है। अब इसको जल्दी से जो हम ट्राई कर लेते हैं। ओए होए होए, बहुत ही ज्यादा टेस्ट आ रहा है। सारा मसाला जो है बोटी के ऊपर चिपक चुका है, इतने अच्छे तरीके से जो हमने गला लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने रूम के बाहर और ये लेकर आया हूँ मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करके। वो इसलिए क्योंकि आज मैं फ्री हूँ और आज न जाने कितने दिनों के बाद जो है मैं रूम पे जो है खाना बनाने वाला हूँ। और मैं हर रोज क्यों नहीं बनाता रूम पे, उसकी भी वजह बताऊंगा कि ये जो है कितना कॉस्टली बैठेगा एक टाइम का खाना। तो जल्दी से प्रिपेयरिंग करते हैं क्योंकि अकेला ही हूँ मैं, तो हिसाब से जो है जल्द जल्दी करना पड़ेगा सारा काम। अब मैं दिखाता हूँ ये बनता कैसा है कैसे नहीं। इधर जो है 1 kg चिकन है और इसको जो है अच्छे तरीके से धो लिया है और उसके बाद से जो है इधर रख लिया है। ये 100 ग्राम है योगर्ट, जिसको हम दही बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं इसको जबादी। मेरे पास ज्यादा मसाला नहीं है क्योंकि मैं बनाता भी नहीं, तो इसमें जो है चिकन मसाला और मुसक्कल मसाला जो है मिला लूंगा, अभी बाद में दिखाता हूँ फिर आपको। इसमें जो है थोड़ा सा चिकन मसाला मिला लिया है और ये जो है मुसक्कल मसाला मिला लिया। अब इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं, उसके बाद में ये वाला चिकन जो है इसमें जो है मैरिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है चिकन रख लिया, अब इसको जो है अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं मसाले में। इसको जो है मैरिनेट कर दिया। अब इसको जो आधे घंटे के लिए हम रखेंगे तलाजे में यानी फ्रिज में। जितना ज्यादा टाइम तक रखेंगे उतना ये ज्यादा सॉफ्ट होता जाएगा पकाने के टाइम। A few moments later. 1 रियाल का हरा धनिया, 1695 का चिकन, 1 रियाल की रोटी, 4 रियाल के 2 टमाटर, ओनली 2 टमाटर। और ये जो है गाड़ी में से निकाल के लेकर आया हूँ। और अभी चिकन मैरिनेट करके रख दिया है तलाजे में आधे घंटे के लिए। अब टाइम जो बचा है आधे घंटे का, इसमें हम काट लेते हैं प्याज लहसुन ये चीजें, क्योंकि ज्यादा चीजें मैं लेके भी नहीं आया, क्योंकि अगर लेके भी आता तो वो जो यहाँ पर रखी रखी खराब होने वाली थी, क्योंकि मुझे जो है इसके बाद खाना बनाना नहीं था और ना ही मैं बना रहा था। लेकिन आज सोचा कि आज अपने हाथों का टेस्ट कर लेते हैं, तो अब जल्दी से जो है बाकी काम को जो है निपटा लेते हैं टाइम के रहते हुए। इधर जो 2 प्याज ले ली है मीडियम साइज की, 1 ले लिया लहसुन, बस इतनी चीजें काटेंगे। और इधर काटेंगे फिर टमाटर। और कोई भी जज मत करना कि इसमें इतनी क्वांटिटी होती है और इसमें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, बस टेम्परेरी बना रहा हूँ बस। इधर प्याज काट ली है, इधर जो है अभी भगोना गर्म होने के लिए रखा है, इसमें डालेंगे अब तेल गर्म करने के लिए। इधर हमने डाल दिया है तेल अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। इधर हो गया है तेल गर्म, अब डाल लेते हैं इसमें प्याज। और अभी जो है गार्लिक पेस्ट और टमाटर काट के जो है डाला आया हूँ ग्रेवी में, पक रही है। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए दिखा नहीं पाया, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये पहला और आखिरी टाइम है जो मैं रूम पे बना रहा हूँ। सेकंड, पूरे कपड़ों में जो है खाने की खुशबू आ गई, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा। और सबसे ज्यादा महकता है लहसुन, तो इसलिए जो है ये पहला और फाइनल टाइम है जो कि रूम पे खाना बन रहा। 1 घंटा तो हो गया, अभी जो है चिकन डालना रह गया है, वो फाइनल में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किचन में जो है रुका जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही। अभी ये जो है मैरिनेट हुआ चिकन है, अब इसको जो है जल्दी से ग्रेवी में डाल देते हैं। अभी जो अपना मैरिनेट हुआ चिकन डाल दिया है ग्रेवी के अंदर, अभी जो है 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। A few moments later. तो अभी जो है हमारा दही चिकन जो है बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें जो है कलर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने जो है रेड चिल्ली नहीं डाली, क्योंकि एक अहम चीज होती है रेड चिल्ली, चाहे आप उसको खाओ या नहीं खाओ, तो उससे क्या है थोड़ा सा जो है कलर आ जाता। तो हमारा जो है दही चिकन बनकर रेडी हो गया है, अब इसको जल्दी से जो हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसको बनाते बनाते ऑलमोस्ट काफी टाइम हो चुका और इसमें जो है बिल्कुल भी पानी नहीं किया मैंने, खुशक कर दिया। मतलब जो भी ग्रेवी थी हमने जो है चिकन के जो पीस थे उसके ऊपर जो है चिपका दिया सारा। तो अब जल्दी से बिना किसी की देरी के जो है इसको टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं टेस्ट का रिव्यू जो है ये सोच के नहीं करूंगा कि ये मैंने बनाया है, जो ओरिजिनल टेस्ट होगा वही बताऊंगा। देख रहे हैं ना, ये पूरी बोटी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, काफी गल चुकी है ये, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पहले से जो है मैरिनेट करके रखा गया। और चिकन हो या मटन हो, जब तक ज्यादा देर तक आप मैरिनेट करोगे उसकी बोटी जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती जाएगी। ओए होए होए, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा टेस्ट आ रहा है। मिर्चा थोड़ी कम है लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, शायद आपको जो है पसंद नहीं आए क्योंकि आप शायद ज्यादा मिर्चा खाते होंगे तो आपको ज्यादा मिर्चा पसंद है, लेकिन मैं ज्यादा मिर्चा नहीं खाता जब से सऊदी अरब में आया हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर स्ट्रीट फूड खाता हूँ बाहर से, तो ऐसी आदत बन चुकी है कि मिर्चा ना भी हो तो चलेगा एक बार को। और ये सारा मसाला जो है बोटी के ऊपर चिपक चुका है, इतने अच्छे तरीके से जो हमने गला लिया है। देख रहे हैं, एक लजीज टेस्ट आ रहा है इसमें, बस
कुछ चीजों की इसमें कमी भी महसूस हो रही है, जैसे कि सबसे पहले हमने इसमें अदरक नहीं डाला, रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाला, और कुछ खानों में क्या होता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग मात्रा के हिसाब से डालने चाहिए, जैसे कि जीरा पाउडर या फिर लाल मिर्च पाउडर या फिर कह सकते हैं कि गर्म मसाला पाउडर। ये चीजें तो एक मुहिम होती है कोई से भी खाने के लिए, लेकिन यहाँ इसमें ऐसा नहीं था। मेरे पास था भी नहीं वो सारा सामान, क्योंकि मैं इस्तेमाल भी नहीं करता, खाना रूम पे नहीं बनाता, तो जो भी था मेरे पास उससे बना लिया। टेस्ट एकदम अच्छा आ रहा है, बस थोड़ा कलर कम है इसमें, क्योंकि इसमें रेड चिल्ली पाउडर नहीं है। बोटी देखिए, बोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट, मतलब इसको जो है खींचने की जरूरत ही नहीं है, हाथ की उंगली रखते ही ये टूट रही है, बिल्कुल इतनी सॉफ्ट हो चुकी है ये बोटी। और अब जो है मैं इसको एक रिवायती तरीके से जो खाऊंगा, जैसे कि एक नॉर्मल खाते हैं, जैसे वो जिसमें दही भी डला हुआ हो और सारा मिक्स करके हो, उस तरीके से खाने की ट्राई करूंगा मैं। ज्यादा दही डल चुका है इसमें, एक खटासी महसूस हो रही है अब आके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है दही डला हुआ था। जब मैरिनेट किया था हमने तो इसमें जो है दही के साथ जो है मसाले मिलाए थे, तब जाके जो है हमने मैरिनेट किया था, तो थोड़ा दही डाल के जो है खटासी महसूस हो रही है इसमें, लेकिन इससे पहले जो है बेहतर था। और इसमें थोड़ा सा हरी धनिया की खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें जो है बाद में डाला गया, अगर ये हरा धनिया 2-3 मिनट पहले डाला जाता तो इसकी खुशबू जो है इस खाने में जो है मिक्स हो जाती, तब इसका टेस्ट एक और अच्छा आता। फिर A few moments later. और इसकी कॉस्ट पता 25 रियाल बैठी, और 2 घंटे मेहनत करनी पड़ी, यानी इतने में 25 रियाल में आप किसी भी अच्छे से होटल में बैठ के खाकर आ जाओगे। आपको ना बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बर्तन धोने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही इस गर्मी का सामना करना पड़ेगा। खाओगे, हाथ धो के आ जाओगे, नो प्रॉब्लम। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक बार बन गया तो मतलब कि काफी दिन तक चलेगा, ऐसे भी नहीं है। मैंने बनाया था वो बिल्कुल खुसर कि आप सिर्फ बोटी बोटी खा सकते हो, जब ऑप्शन है आपके पास तो बाकी चीजें खाने की क्या जरूरत है। तो चलिए, बाकी फर्स्ट क्लास है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।